गाजियाबाद में मतदाताओं के लिए आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। यहां इस मतदान केंद्र को फूलों से सजाया गया, साथ ही इसमें कारपेट भी बिछाए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां मतदाताओं को जो अपना वोट डालने के लिए आए हुए हैं उनको गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया जा रहा है। सर आपका नाम जानना चाहूंगा। मैं ललित जयपाल हूं, चीफ वार्डन से बिल्ड करता हूं। सर लोकतंत्र का उत्सव जी 2019 लोकसभा चुनाव का प्रथम चरण का मतदान गाजियाबाद में हो रहा है। हम देख रहे हैं कि गाजियाबाद में आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है, थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बता देंगे क्या है? आदर्श मतदान केंद्र बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम इसको एक त्यौहार की तरह मनाएं और मतदाताओं को अपनी तरफ खींचे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो चुके, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यहाँ मतदान की प्रतिशत ज़्यादातर कमी रहती है। इसलिए लोगों को अच्छी सुविधाएं देने के लिए लोग आएँ, साफ सफाई हो, लोगों को चिकित्सा की सुविधा, व्हील चेयर की सुविधा और अन्य प्रकार की पानी की सुविधा देने का प्रयास किया गया है यहाँ पर, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मतदान आए। हमने देखा कि गाजियाबाद में पहली दफे ऐसा देखने को मिला है कि किसी मतदान केंद्र को आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया हो और फूलों से सजाया गया हो, वोटर्स को मतलब गुलाब के फूल भी दिए जा रहे हैं। जी हाँ जी हाँ, इसीलिए दिए जा रहे हैं कि उन्हें इसका महत्व पता चलना चाहिए और हमें भी अच्छा महत्व पता चलना चाहिए कि हम एक त्यौहार मना रहे हैं, तो हम एक त्यौहार मनाने के उसमें सबको आमंत्रित कर रहे हैं यहाँ पर। इसका उद्देश्य ज्यादा मतदान करने का है। क्या नाम है आपका? कपिल त्यागी। कपिल जी, आप यहाँ पर आज 2019 लोकसभा चुनाव का प्रथम चरण का मतदान है, गाजियाबाद में भी आप मतदान करने के लिए आए हैं। यहाँ पर जो मतदान केंद्र आज कैसा आपको लगा कि बिल्कुल अलग सा है? एक त्यौहार सा मन रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे आज वोटिंग करने नहीं किसी त्यौहार में हिस्सा लेने आए हुए हैं। और ये लोकतंत्र का जो त्यौहार है ना, ये सभी को इसमें हिस्सा लेना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएँ और वोट करें और देखें इस डिफरेंस को, एक नए भारत के डिफरेंस को, कि किस तरीके से वोटिंग पे आज हमारी जो नई युवा पीढ़ी है वो कैसे फोकस कर रही है और किस तरीके से। मैं प्रशासन को इसमें धन्यवाद देना चाहता हूँ। अनुभव हमने देखा था कि जो मतदान केंद्र होते हैं बहुत अजीब से होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक गुब्बारों से, बैलून से या फूल देकर यहाँ पर लोगों को दिया जा रहा है जो वोटर्स आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे? नहीं, ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है और ये चूंकि पोस एरिया है तो ये भी एक कारण है, डीएम मैडम के पास है, पर ऐसे ही संख्या में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने वो पोलिंग पार्टी बनानी चाहिए इस तरीके के, जहाँ पे वोट डलें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर्षित हों, क्योंकि 5 साल में एक बार लोकसभा का इलेक्शन आता है और इससे हम पूरे देश के लिए एक जो प्रधानमंत्री चुन रहे हैं तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट विश्व में प्रेजेंट होता है। तो मैं इसे देख के बहुत ही खुश हूँ और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ जो प्रशासन ने किया है। धन्यवाद। माता जी, आपका नाम क्या है? निर्मलेश हरित। 11 अप्रैल हाँ जी, है आज। हाँ जी। मतदान का पहला दिन जी, लोकसभा के 2019 के प्रथम चरण का। हाँ जी। आप वोटिंग के लिए आए, कैसा लगा है? बहुत बहुत अच्छा लगा, एकदम दिल खुश है। क्या कहना चाहेंगे लोगों को, क्या संदेश देना चाहेंगे? ये देना चाहेंगे कि जो भी नेता देश को आगे बढ़ाए, सारे संसार में हमारा नाम ऊंचा करे, उसी को वोट देना, उसी को वोट देना। अच्छा, एक चीज आज हमने देखी है कि गाजियाबाद के अंदर पहली दफा ऐसा देखा गया है कि आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है, यानी जो वोटर आ रहे हैं उनको फूल देकर सम्मानित भी किया जा रहा है। कैसा अनुभव? जितना अच्छा अब की बार सजा हुआ सुंदर है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पहली बार इतना सुंदर और कारपेट बिछा के और ये सब करके स्वागत करके काफी अच्छा, करने वालों के लिए धन्यवाद। अच्छा, मैं आपकी उम्र जानना चाहूंगा। 73। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकुन हरित है। शकुन जी, हमारा सवाल है, 2019 लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान गाजियाबाद में, लोकतंत्र का उत्सव जिसको कहते हैं हम, जी। वो है जी। आप वोट डालने के लिए आए हैं, क्या कहना चाहेंगे लोगों से? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, पूरी कोशिश करिएगा, आइए और वोट जरूर दीजिएगा, अपने जो आपका अधिकार है उसका पूरा पूरा इस्तेमाल कीजिए और आइए वोट दीजिए। अच्छा, ये जो आज हम देख रहे हैं गाजियाबाद में पहली दफा ऐसा देखने को मिला है कि वोटरों को गुलाब के फूल दिए जा रहे हैं, समझ के जा रहे हैं, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छी ऐसी फीलिंग आ रही है कि आ रहे हैं तो एक बड़ा अच्छा सा वार्म वेलकम हो रहा है, वोट देने आए हैं। शारदीय नवरात्र के साथ साथ ये जो चैत्र नवरात्र चल रहे हैं इसके साथ साथ वोट का जो एक उत्सव मनाया जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक सवाल हमारा है कि जाति धर्म के नाम पर वोट की राजनीति नहीं, वो नहीं जवाब दूंगी मैं आपको।